क्या हाल चाल है भाई लोग। तो भाई डब्बा देख लो क्या है, ये है राउटर। तो भाई मैं हूँ संदीप, लिटिल गेमर चैनल पे आपका आने के लिए धन्यवाद। भाई चेहरे पे बिल्कुल ध्यान मत देना, फटी पड़ी है। और क्या आप भी मेरी तरह जिनको ठंडी में नहाने से फटती है? तो मेरी फटती है सच, बहुत कम नहाता हूँ मैं। तो यार बाल बाल देख सकते हो सब उड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना। ओके, तो गाइस सीधी सी बात है भाई, मैंने लगभग काफ़ी मतलब बहुत यार आधे एक घंटे मैंने अपना दिमाग खपाया था। सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं, तो मैंने सोचा डुअल बैंड का सबसे बेस्ट राउटर कौन सा रहेगा। तो बहुत R&D करने के बाद ये विदाउट सेल है, ठीक है, जो मैंने राउटर मंगाया विदाउट सेल पे मंगाया। तो आप इसका प्राइस ऐसे मान सकते हो कि 2200 से 2500 के आसपास रहेगा, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो। तो जो मैंने राउटर मंगाया वो है डेलिंग का 825 मॉडल है। सब कुछ दिखा दूंगा, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको गाइस बता दूं कि डुअल बैंड की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। कभी भी आप अपने ISP से या कभी आप फाइबर ऑप्टिक की कनेक्शन लेते हो, मैं अभी आपको अपने रूम में जाऊंगा सेकंड वाले में, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। तो अभी मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, सेकंड फ्लोर पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, जो MI वाला राउटर है वो रखा हुआ है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको डुअल बैंड राउटर की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले नॉलेज बता देता हूँ, उसके बाद आप मतलब राउटर की अनबॉक्सिंग देख लेना। 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो गाइस डुअल बैंड के अंदर दो बैंड होते हैं, एक आपका होता है 2.4 GHz वाला, एक होता है आपका 5 GHz वाला। अब जो 2.4 GHz वाला होता है उसकी एफिशिएंसी इतनी होती है, मतलब वो इतना एरिया कवर कर सकता है, ठीक है, आप ऐसा एग्जांपल ले लो। लेकिन उसकी स्पीड कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 MBPS का कनेक्शन है, लाइक मी, मेरी तरह भी 100 MBPS का कनेक्शन है मेरे पास भी, 2.4 GHz क्या करेगा, उसकी स्पीड लिमिट डाउन कर देगा। बट जो उसकी एफिशिएंसी है, जो उसका एरिया है, मतलब मान लो कि इतने एरिया में आपको रेंज दे देगा आपके वाईफाई की। अब आ जाती है 5 GHz वाली बात। भाई 5 GHz की क्या जरूरत क्यों पड़ती है? 5 GHz वाला जो आपके पीछे ISP से एक पावर आ रही होती है, कह सकते हैं बैंडविड्थ जो आ रही होती है, उसको कैपेबल होता है पूरा खींचने में, पूरा 100 का 100 MBPS, या अगर उससे भी जब आती हो तो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो 5 GHz होता है वो पावरफुल भी होता है, बट उसकी जो है रेंज कम होती है। तो अगर 2.4 GHz की रेंज इतनी है तो 5 GHz की रेंज इतनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको सीधा मैंने मतलब एक सैंपल करके बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ज़्यादा मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो गाइस डुअल बैंड का सिंपल मीनिंग हो गया दो बैंड, एक 2.4 GHz और एक 5 GHz। 5 GHz वाले की रेंज कम होती है बट उसकी स्पीड पूरी होती है, वो पूरी खींच लेता है, वो जितनी आपके ISP से आती है वो पूरी उठा लेता है, ठीक है। इसलिए जो डुअल बैंड के राउटर हैं वो मिनिमम कम से कम नहीं तो 1500 से स्टार्ट हैं डुअल बैंड के। फिर आप अगर आगे बढ़ते बढ़ते आपको 2000, 2500, 3000, 6000, फिर तो राउटर तो पता नहीं अनलिमिटेड आते हैं, ठीक है। फिर Wi-Fi 6 का एक वर्जन भी आता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप 100 MBPS का कनेक्शन लेते हो तो आपका ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी लोकल हो या एक्साइटल हो, एयरटेल हो, वो आपसे ज़रूर पूछेगा आपके पास राउटर है तो कौन सा है। वो जरूर ये पक्का कन्फर्म करेगा कि अब डुअल बैंड का राउटर है कि नहीं है, ठीक है। तो डुअल बैंड इतना कैपेबल होता है कि पूरी स्पीड खींच सके आपकी, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अब मुझे क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे पास जो कनेक्शन था वो था 100 MBPS का एथरनेट, ठीक है। अब जो गाइस आपको एक बात बताता हूँ, एथरनेट क्या होता है, केबल होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। सो जो एथरनेट होता है वो होता है ये RJ45, ठीक है, रजिस्टर जैक 45 बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर 4 पेयर का कनेक्टर होता है, आपने देखा होगा ये, ठीक है, तो एथरनेट वाला होता है। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने सोचा यार थोड़ा अपग्रेड करा दे, तो हमने फाइबर ऑप्टिक ले लिया। अब फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक के अंदर आपका अलग से एक इंजीनियर आता है, वो नॉर्मल इंजीनियर नहीं होता, वो दूसरा इंजीनियर होता है जो सब काम करता है। मशीन से केबल अटैच करी जाती है, ये सब मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा, ठीक है, मेरे पास फुटेज भी पड़ी हुई है। एंड बस यार यही है। तो फाइबर ऑप्टिक में फिर उसके बाद आपका एक अलग से डिवाइस होता है, जो डिवाइस लगता है, देन उसके बाद वो एथरनेट केबल निकल के आती है आपके राउटर में लगती है। उसको चलाने के लिए ना भाई डुअल बैंड का राउटर मस्त होता है, ठीक है। तो उसको आप नॉर्मल राउटर से नहीं चला सकते, लाइक मी, मेरे पास MI का राउटर है, अभी भी रखा है, अभी जब नीचे जब जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा। MI का है RC3C करके समथिंग है, ऐसा बहुत फेमस है, 1100-1100 रुपये में बहुत बिकने वाला राउटर है वो, ठीक है, तो समथिंग ऐसा है गाइस। तो अगर आपको भाई 100 MBPS का आपके पास कनेक्शन है, गो फॉर द डुअल बैंड राउटर। जो मैंने मंगाया वो भी सबसे बेस्ट है, और एक और है TP-Link का है 660 करके, ये और एक A6 है, ठीक है। तो इनमें से करते हैं, अब करते हैं अनबॉक्सिंग। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है, बाकी थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि यार थोड़ा आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी मेरे चेहरे पे ध्यान मत देना, मेरी फटी पड़ी है सच में। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑलराइट, तो भाई अब मैंने जो बैक कैमरा अपना ऑन कर लिया, और आप सबको पता है कि मेरे पास
चाकू कौन सा होता है? मेरे पास देसी चाकू होता है हमेशा, ठीक है। तो इस देखिए देसी चाकू से अनबॉक्सिंग कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम तो भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। और गाइस एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, अमेजोन से काफ़ी मतलब ऑनलाइन अभी काफ़ी फ्रॉड और चल रहे हैं, तो भाई हो सके तो ऑफलाइन ही खरीदना। ये थोड़ा मतलब मेरे को ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ा था, इसलिए मैंने इसलिए खरीद लिया, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए अभी पैकेज दिखा देता हूँ। ये मतलब अनबॉक्स नहीं है, देख सकते हो, ये देख लो पूरा पैक है। ये देखो मेरा एड्रेस, क्या कर लोगे एड्रेस जान के भी यार, छोड़ो। एंड ये है, ठीक है, देख सकते हो कहीं से भी फटा नहीं है, पूरी जगह से एकदम मस्त चिकना है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये देखो ये पहले से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देखो, ठीक है। अब इसको फाड़ते, अब जैसे मर्जी फाड़ना है फाड़ लो, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। अब यार तुम्हें पता है मेरा सेटअप कैसा है, सो मैं इतना वो नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको, कि आप मैं इतना ध्यान नहीं देता कि मतलब क्या कर, क्या है क्या नहीं है, मतलब मेरे जितनी मेरी गंदी अनबॉक्सिंग, मेरे से ज़्यादा गंदी अनबॉक्सिंग कोई नहीं करता होगा भाई साहब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑलराइट। तो दोनों हाथों का प्रयोग करके हमने इसको निकाल दिया है। अब भाई डब्बा देखते हैं, तो यार देख लो, सबको दिखा दूंगा मैं, आपको टेंशन मत लो यार, ठीक है। इसकी फिक्र मत करो, मैं ये सब आपको सबको सबको दिखाऊंगा। थोड़ा सेटअप भले ही गंदा लगे, बट आपका मतलब यार आपको भी दिखाना है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ठीक है। तो गाइस ये राउटर जो पड़ा है मुझे, अब बात कर लेते हैं राउटर पे आ जाते हैं, बकवास बंद करते हैं। ये मुझे राउटर पड़ा है 2280 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, ये 1200 Mbps सपोर्टेड राउटर है, वाईफाई गीगाबिट। गीगाबिट का मतलब ये है कि इसके पीछे जितने चार पोर्ट हैं वो 1 Gbps कनेक्शन सपोर्ट करते हैं, यस। तो मेरा इन फ्यूचर जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो भी बेहतर हो गया है, ठीक है। चार डंडी वाला राउटर है जैसा आप देख सकते हो यार। अपग्रेड योर नेटवर्क टू द पावर एंड स्पीड ऑफ 11 AC वायरलेस। अब मैं बताता हूँ क्या होता है गाइस, जो वाईफाई होता है उसके एक्सटेंशंस होते हैं 802.11 BGN होता है और एक AC होता है। तो ये पुराने वाले भी और नए वाले भी सपोर्ट करता है, मैंने बता दिया। फिलहाल आपको जानने की मतलब नीड नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं कंटेंट की तरफ। ये देखो मैं जो कह रहा था, स्पीड अप टू 300 Mbps 2.4 GHz पे और 5 GHz पे 867 Mbps। इसका मतलब अगर आपके पास 300 मतलब अगर आपके पास 100 Mbps का कनेक्शन है, तो जो उस पर 2.4 GHz की स्पीड होगी वो होगी थोड़ी कम, लेकिन जो 5 GHz पे स्पीड होगी वो होगी 800 MB के आसपास, ठीक है। तो 5 GHz वाले का रेशियो कम होगा, रेशियो उसका इतना होगा पर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। 2.4 GHz का रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, पर उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, मतलब रेंज। अगला आपका लगा लेते हैं क्या है, साइमल्टेनियसली डुअल बैंड, मतलब एक टाइम पे दो बैंड आपके काम करते हैं तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। गीगाबिट एथरनेट पोर्ट है इसके अंदर और आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, USB 2.0 है, इजी सेटअप है। अब मैं आपको चीज़ और बता दूं, इस राउटर के अंदर पीछे एक USB भी लगा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं एक USB है जो आपका एक मतलब स्टोरेज से काम कर सकता है या प्रिंटर सर्वर अटैच करना हो, समथिंग ऐसा, ठीक है। अब भाई आ जाते हैं पीछे बैक साइड पे। ओके, तो पीछे देख लो गाइस क्या लिखा है, थोड़ी अनबॉक्सिंग बेकार है बट यार थोड़ा वो करना, ठीक है। देख लो आप, IEEE 802.11 BGN AC, जैसा मैंने आपको कहा था 1200 स्पीड है, अप टू 300 Mbps 2.4 GHz पे, 867 Mbps 5 GHz पे। देखो इसमें 4 GB लाइन पोर्ट है, यानी कि 1 Gbps तक के मेरे पीछे के पोर्ट काम करेंगे। वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, WPS बटन एक्स्ट्रा है, 2.40 है, वायरलेस इंक्रिप्टेड विद WPA2 है, इंटेलिजेंट जो भी IP6 है, IP version 6 रिएक्टेड है, गेस्ट वाईफाई जोन भी इसके अंदर दे रखा है। और ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है आपको बस, ठीक है। डीलिंग की ब्रांडिंग है DIR 825, 3 साल की वारंटी है। यहाँ पे भी सेम लिखा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो भी है, स्ट्रीमिंग एंड सर्फिंग, ठीक है। 1200 Mbps डुअल बैंड, गीगाबिट एथरनेट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, USB 2.0, WPS, ठीक है। और कुछ, और कुछ यहाँ पे एड्रेस लिखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तो डीलिंक देखो MRP इस पर 3200 रुपये लिखा हुआ है, बट ये जो है सस्ता था तो मेरे को सस्ता पड़ गया। अब गाइस थोड़ा मैं एक बार सील ब्रेक कर देता हूँ यार, ठीक है। सील ब्रेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा खुलता किधर से। ओके, ये आई थिंक दिस इज द वन विच आई थॉट ये होगा, यस। अरे अरे ये रहे रहे यहाँ पे छोटा सा। ओके ओके ओके, एक मिनट रुको गाइस, क्या करूँ यार, मैं अकेला बंदा हूँ यार, मतलब मेरी कोई साथ भी देने के लिए नहीं है। ज़िंदगी में अकेले ही आपको सब कुछ करना पड़ता है, अगर आप जानते हैं तो। ऑलराइट, तो दोस्तों डब्बे में से निकला है क्या, ये राउटर, इसका पावर कनेक्टर, और ये निकला है एक वाईफाई नेम, पासवर्ड इसका, इंस्टॉलेशन गाइड है, ऐप स्टोर, गूगल ऐप, मेरे पास एप्पल का आईफोन है, जी हाँ दोस्तों। और ये बस वाईफाई नेम ये है, 2.4 GHz, अच्छा, ठीक है, ऑलराइट, ओके कूल, ठीक है। तो गाइज ये है इसका पावर अडैप्टर, देख सकते हो कितना वाट का है ये,
इनपुट उसका 100 से 240 वोल्ट का है, 50 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है चलो गुड ओके। ओहो भाई ये काम बहुत बढ़िया किया यार, इन्होंने केबल दे दी, मुझे केबल चाहिए थी यार। तो उससे केबल है RJ45 एथरनेट, और ये जो केबल है ये 4 पेयर केबल है, देख सकते हो आप 8 केबल है इसके अंदर, इसको 4 पेयर केबल कहा जाता है। इसको फेंकते हैं और अब आते हैं भैया राउटर पे। तो इसमें है 4 डंडे टोटल। ओके थोड़ा अनबॉक्सिंग टाइम लंबा हो गया। ओके पन्नी उतारते हैं, सारे काम यार अकेले करने पड़ते हैं मुझे। ये भी चाहता तो मैं फ्रंट से कर देता, बट मैंने कहा यार आप सबको दिखाना भी है तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ओके बढ़िया ज़बरदस्त। ओके तो ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और आपको ये ऐसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपको बढ़िया दिखेगा। D-Link का DIR825, ये इसका पावर है, ये इसका इंटरनेट है, ये इसका रीस्टार्ट है। 2.4 GHz, 5 GHz, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब ये जो पीछे आपके ये पोर्ट है, देख सकते हो आप, ये रहा आपका पीछे पोर्ट। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कैसे इसको कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे आएगी आपकी पावर केबल, जो आपको ये मैंने अडैप्टर अभी दिखाया ये वाला जो नीचे ये साइड में रखा हुआ है, जैसे देख सकते हो आप हो रहा, ये आएगा यहाँ पे। USB आपको है तो मतलब लगाना नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं, मैं बाद में बताऊँ क्या है। जो यहाँ पे वो केबल आएगी जो आपको ISP देता है इंटरनेट वाला, ठीक है, वो सीधा केबल यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद 1 2 3 4 आपको 4 पोर्ट मिले हुए हैं। ये है गाइस WP, ये वाईफाई है, ठीक है। अगर इसको मतलब गलती से WPS का बटन मत दबाना, याद रखना WPS अगर आप ऑन रखोगे तो कोई भी आपका वाईफाई कनेक्ट कर सकता है, सिंपली ईजी होता है फिर, ठीक है। ऑलराइट तो ये राउटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है भाई लोगों। तो बस उस थोड़ा इसको यार नंगा करने का मन कर रहा है मुझे, क्या चिकनी चिकनी साइनिंग है, नहीं नंगा नहीं करेंगे यार इसको, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो गाइज अब मैं इसको सेटअप पेज पे मिलते हैं आपसे मैं, ठीक है, सेटअप पेज पे मिलते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या करना है, ठीक है चलो मिलते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना देता हूँ कि अच्छा मैं कैमरा ऐसे कर लेता हूँ तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अभी जो MI का मेरे पास राउटर है उसमें आप देख सकते हो बैंडविड्थ कितने की आएगी, ठीक है। मैं रन कर रहा हूँ तो ये मेरा वो है लोकल सर्विस प्रोवाइडर ओमनेट ब्रॉडबैंड, ठीक है, तो देख लो, ठीक है। तो ये मैं रन कर रहा हूँ, मेरे पास 100 MBPS का कनेक्शन है, तो ये देखो आप कितनी MBPS आ रही है। थोड़ा पूरा कंपेयर करेंगे आज की डुअल बैंड से कितना फ़र्क पड़ता है कितना नहीं, तो 93 MBPS जा रहा है, ठीक है, देखते हैं। पिंग लॉस नहीं होगा इतना तो मुझे पता है, ठीक है, और ठीक है। हाँ तक था, मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहा ना ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ यार थोड़ा कोई चीज़ मिस कर दी तूने भाई, कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और अपलोडिंग भी आ रही 94, कितना है आपका 94 MBPS, ठीक है। तो गाइज 94 MBPS डाउनलोड है, 94 MBPS आपका अपलोडिंग है। अब चलते हैं भैया नीचे, ठीक है, नीचे जाके मैं DA वाला राउटर जाके सेटअप करूँगा, या फिर मैं इसके यहाँ पे क्या कहते हैं देखना, मुझे पूरे एक बार अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछना पड़ेगा कि मैक एड्रेस रीसेट तो नहीं करवाना, ठीक है। तो गाइज ये रही उसकी स्पीड, अभी फ़ोन का जो फ़ोन पे स्पीड आ रही है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये विदाउट डुअल बैंड राउटर है, MI RC3L, ठीक है, पुराना वाला, ठीक है, चलो अब चलते हैं नीचे। तो गाइज फाइनली अब आपको समझ आ जाएगा, ये है D-Link का नया वाला राउटर डुअल बैंड वाला, ठीक है। ये राउटर है वो MI का जिस पे आप स्पीड देख रहे थे मेरी, 94 MBPS डाउनलोड और 94 MBPS अपलोडिंग, ठीक है। और ये वो है ONU डिवाइस जो आपको फाइबर ऑप्टिक के लिए लगाना पड़ता है, यहाँ से निकलती है एथरनेट केबल, देखो ये वाली, ठीक है, ये निकल गई आपकी, आएगी राउटर के अंदर, ठीक है, और ये मेरे PC पे जा रही है ये केबल। और जो फाइबर ऑप्टिक आ रही है वो ही ये वाली, ये है फाइबर ऑप्टिक, ये आ रही है आपकी फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के लिए ये एक डब्बा होगा छोटा सा, ठीक है, ये अलग से डिवाइस होता है, ये आपको मिलता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये MI का राउटर निकालने वाला हूँ, ये लगाने वाला हूँ D-Link का। इसको लगाने के बाद, ठीक है, आप इसकी लाइटनिंग वाइटनिंग देखना, तब मिलेंगे हम डेस्कटॉप पे। और भाई तो गाइज़ अब आपको शायद समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब देख सकते हो आप, मैंने पावर केबल लगा दी, MI वाला राउटर जो है निकाल के वहाँ साइड में रख दिया, पावर केबल वो रही लगा दी, ठीक है। वो केबल वो है उसकी फाइबर ऑप्टिक का अडैप्टर, उस वाला वो देखो वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे 3 लाइटें आ रही हैं, एक राउटर ऑन होने की, एक है आपका ISP की और दूसरा है आपका लैन केबल की। अब जो वहाँ से देखो ये जो केबल होती है ना फाइबर ऑप्टिक वाली, ये देखो ये रही फाइबर ऑप्टिक वाली केबल, ये इसके अंदर रहती है
और अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अपने वाईफाई के लिए, ये इथरनेट केबल, ये इथरनेट केबल आएगी आपके यहाँ पे वाईफाई वाले पे, ठीक है, इस पे, तो वाईफाई वाले पे आ गया। अब मेरी मर्जी है, चाहे मैं इसको फ़ोन से सेटअप कर सकता हूँ राउटर को, या मैंने पीसी पे भी कनेक्शन दे दिया है, या मैं डेस्कटॉप पे भी जा सकता हूँ। तो हम काम करते हैं, हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। डेस्कटॉप पे भी एक्सेस है, और यहाँ पे आप देखो लाइट जल रही है। यहाँ पे जो लाइटें जल रही है वो एक पावर की है, इंटरनेट की है, 2.4 GHz, 5 GHz, और एक पे लाइट आ रही है। इसका मतलब एक जो लैन केबल मैंने ठूस रखी है, इसको पता लग गया कि एक लैन केबल भाई साहब आपने ठूस रखी है, यानी कि आपको एक लैन कनेक्शन आपने दे रखा है। तो इसके जो चारों पोर्ट हैं, इसके जो चारों पोर्ट हैं वो 1 GBPS तक सपोर्ट है, ठीक है। पीछे देख लो भाई साहब, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ये देखो, ये आपका हो गया इंटरनेट वाला, ठीक है। बाकी चार हो गए आपके पीसी के लिए। तो ये 4 डंडे का राउटर है, देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। ये लो, चलो। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने उस वाले पे, यानी कि अब सेकंड फ्लोर पे है, तो हिसाब से आपको पता लग जाएगा 4 डंडी में कितनी रेंज देता है। ये बिल्कुल कोने में रखा, और आप मेरा घर देख सकते हो, वो बिल्कुल कोने में है। तो बिल्कुल कोने में राउटर रखा हुआ है, ये बिल्कुल कोने में तसल्ली से रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो गाइस अब चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ, एंड लेट्स सी। तो मेरे पास फाइबर ऑप्टिक है, अब आपको पता लग जाएगा कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन डुअल बैंड क्यों मांगता है, ठीक है। चलो, ऑलराइट, तो वेलकम बैक गाइस, आपका डेस्कटॉप पे स्वागत है। तो अब दोस्तों, इसका गेटवे था, मतलब हर एक राउटर का गेटवे अलग होता है। जो मेरे पास MI का राउटर था, उसका गेटवे था 192.168.31.1, ठीक है, उसका ये था। जो इसका गेटवे है वो है 198, ये देख सकते हो, अब आ भी गया, ठीक है, .168. अब ये MI का नहीं खुलेगा, क्योंकि अब MI का कनेक्ट ही नहीं है, तो कहाँ से खुलेगा। ये देखो डीलिंग का खुल गया ऑटोमेटिक, ये देखो खुल ही गया, अपने आप ही एक्सेस ले लिया उसने, क्योंकि मेरे PC पे वायर वो लगी है, जैसा मैंने आपको दिखाया था। स्टार्ट करते हैं। ओके, मे बी योर लैंग्वेज इज इंग्लिश, यस, ठीक है। यू कैन यू सेटिंग कॉन्फ़िगर विज़ार्ड, कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं ऑटोमेटिक उठाता है नहीं उठाता है, ये मैं भी नहीं जानता। सिलेक्ट मेथड कनेक्शन, मेरा वायर्ड कनेक्शन है, ये वाईफाई आएगा, वायर्ड कनेक्शन राउटर है, ठीक है, वायर्ड कनेक्शन आएगा, राउटर आएगा, एक्सेस पॉइंट नहीं बनाना, राउटर बनाना है इसको, ठीक है। सिलेक्ट कनेक्शन टाइप है मेरा, PPOP वाला कनेक्शन है मेरा, स्कैन कर लेते हैं, ये खुद ही उठा लेगा, लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। रजिस्टर सर्टेन मैकेट इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द इंटरनेट, हाँ देखते हैं क्या होता है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद उसको मैक एड्रेस फाउंड पैरामीटर कनेक्शन यूज द एम। ओके आ गया, ठीक है, ओके। तो जो मेरा सर्विस है गाइस, मैं उसका नाम डाल दे रहा हूँ। हर एक ISP प्रोवाइडर आपको यूजर नेम और सर्विस पासवर्ड देता है, तो मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। और राइट, मैं आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। नेटवर्क नेम, ठीक है गाइस। तो इसमें देखो दो आए, एक आपका एक आया है अनेबल ब्रॉडकास्ट, एक 2.4 GHz वाला है। तो मैं इस पर नाम देख रहा हूँ आपका, ठीक है, ठीक है, इस पर नाम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट करने पे 5 GHz वाला आ गया, तो 5 GHz वाले का नाम डाल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इससे STP सेटअप बॉक्स कनेक्टेड द डिवाइस, योर ISP प्रोवाइडर ITP सर्विसेज, यू कैन कनेक्ट STP नेक्स्ट, ठीक है। इज एन IP फोन कनेक्टेड, पता नहीं, नेक्स्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। अब ये एडमिन पासवर्ड कह रहा है, तो गाइस एडमिन पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जो आपके राउटर का पासवर्ड होता है। तो राउटर का पासवर्ड आप जो मर्जी रख सकते हो, ये वो पासवर्ड होगा जो आपको गेटवे में जब आप खोलोगे अपने राउटर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ मैं, अप्लाई कर लेता हूँ, लेट्स सी मेरा नेट चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। अप्लाइंग सेटिंग्स हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है, और फिर इसको अब स्कैन भी करके देखेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अप्लाई सेटिंग्स हो रहा है अभी, चेकिंग कनेक्शन टू द इंटरनेट, ऑलराइट। तो गाइस बिल्कुल सही चीज थी, मुझे अपने ISP को फोन करके अपना मैक रिसेट करवाना पड़ा, यानी कि मैक रिफ्रेश करवाना पड़ा, समथिंग ऐसा। अब देखते हैं स्पीड कितनी आती है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको उस पे क्या बोलते हैं लैन पे, तो इस पे तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको, अरे भाई साहब, अभी तो पूरी स्पीड उठा रहे, क्या बात है, पूरी 100 MBPS उठा रहे, ये तो 103 102, क्या बात है, ये अच्छा लगा यार, ये बढ़िया हुआ, ये सही लगा मुझे। तो ये पूरी स्पीड उठा रहा है जितनी इसको उठानी चाहिए एक्चुअल में। ओके गुड, बहुत बढ़िया। अपलोडिंग कम है शायद, अपलोडिंग भी ठीक है यार, पूरी जा रही है।
ओके 99 Mbps ओके ओके ऑल राइट 100 Mbps की ठीक है ओके कूल ओके ठीक है ऑल राइट ये भाई बढ़िया हुआ। तो गाइस देखा आपने डिफरेंस देखा 5 से 6 Mbps का डिफरेंस ला दिया उसने पूरा, मतलब मैंने बिल्कुल सही कहा था जो आपके ISP से पावर आती है ना बैंड भी तो पूरी खींचता है 5 GHz, तो ये फायदा हुआ। ठीक है अब फोन पे देखते फोन पे कितनी आ रही है। और राइट तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया था 2.4 GHz की स्पीड कम होती है पर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बट जो 5 GHz होता है उसकी स्पीड लिमिट अच्छी होती है, स्पीड ज़्यादा होती है पर रेंज कम होती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे संदीप नाम के दो हैं, एक 2.4 GHz और एक 5 GHz, जैसा मैंने आपको तब बनाया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, संदीप 2.4 GHz को पहले कनेक्ट करते हैं देन देखते हैं स्पीड क्या है। ठीक है चलो पासवर्ड डालते हैं। ओके तो गाइज अब ये कनेक्ट हो चुका है संदीप 2.4 GHz से। ठीक है अभी वाईफाई का सिंबल आ नहीं रहा, अब आ गया मेरा उसमें। सो मैं चलता हूँ आपका यूट्यूब सॉरी ये रहा स्पीड टेस्ट पे। ओके ये रहा स्पीड टेस्ट, लेट्स सी कि अब इसमें कितनी स्पीड आ रही है। देखो गाइज मैं सेकंड फ्लोर पे मैंने राउटर रखा है, मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, ये 2.4 GHz है, लेट्स गो। ठीक है ओके ठीक है सो फार सो गुड, सही उठा रहा है ये 2.4 GHz वाला है गाइज याद रखना। ठीक है 93 Mbps ठीक है भाई, राउटर बहुत बढ़िया है यार, बिल्कुल R&D मैंने अच्छी करी है इसके ऊपर, सही है सही काम कर रहा है। पूरा पूरा देखते हैं यार फिर उसके बाद 5 GHz पे स्विच करके देखेंगे। ठीक है तो 2.4 GHz में 93 Mbps आपका अपलोडिंग है और 58 Mbps अपलोडिंग है। ये मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ गाइज, ठीक है राउटर के पास नहीं हूँ, थर्ड फ्लोर पे हूँ। लेट्स स्विच टू 5 GHz ओके लेट्स ऑलराइट। तो गाइस अब 5 GHz कनेक्ट हो चुका है, लेट्स गो विद 5 GHz। अभी थर्ड फ्लोर पे हूँ मैं, बिल्कुल पास नहीं हूँ अपने राउटर के। ठीक है ओके बढ़िया 98 Mbps 100 Mbps पूरी उठा रहा है ये तो बहुत गुड भाई, ये तो सही है ये बढ़िया है, पर रेंज कम है इसकी क्योंकि वहाँ पे भी रेंज कम दिखा रहा है थोड़ी। चलो ठीक है गुड बढ़िया है ओके परफेक्ट ठीक है। और MI वाले में इतनी स्पीड आती नहीं थी सही बताऊँ तो, MI वाले में तो 60-70 Mbps आती थी, इससे ऊपर नहीं आती थी। ठीक है और राइट तो गाइज आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपने देख ही लिया स्पीड में कितना जो है फ़र्क पड़ा था। तो गाइज देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था भाई, डुअल बैंड राउटर बहुत कैपेबल होता है आपने देख ही लिया, तो MI में जो स्पीड आ रही थी वो आ रही थी 96 97 96, इतनी स्पीड आ रही थी 92। लेकिन जैसे ही मैंने डुअल बैंड का राउटर लगाया D-Link का, ये वाला सीधा भाई इसने पूरी स्पीड खींच ली 152 जो 102 Mbps थी पूरी स्पीड खींच ली इसने। फ़ोन पे भी बिल्कुल सही दे रहा है, जब मैंने MI वाले से मैं चलाता था तो स्पेस स्पीड आती थी 67 से 70 Mbps दैट्स इट, उससे ऊपर नहीं आती थी, बट ये पूरा 100 Mbps खींच रहा है, मेरे लिए काफ़ी है। अब गाइस फाइनल कंक्लूजन करते हैं, वीडियो लंबी हो गई होगी मैं मानता हूँ यार, बट आपको नॉलेज देनी थी इसमें। तो डुअल बैंड का राउटर मस्ट है, ठीक है आपको खरीदना ही खरीदना है, ये बात याद रखना, तभी आप पूरे मज़े ले पाओगे इंटरनेट के। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने क्यों ख़रीदा MI का राउटर जो डुअल बैंड नहीं था, जो विदाउट डुअल बैंड राउटर होते हैं ना गाइस, अगर आप 100 Mbps से कनेक्शन दे देते हो फाइबर ऑप्टिक वाला खासकर, बीच बीच में वो रुकने लगेगा, किसी डिवाइस को ये दे देगा, किसी डिवाइस को वो उतनी पावर दे देगा, किसी के फ़ोन में चलना ही बंद हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, अब मेरा फ़ोन तो नकली है नहीं भाई, एप्पल का फ़ोन है जाहिर सी बात है, ठीक है तो ऐसा तो है नहीं, तो वही मैं सोचता था, मैंने कहा यार हो क्या रहा है, मेरे भाई के फ़ोन में कभी कभी नेट चलता था, मेरे फ़ोन में चलता ही नहीं था। तो इसलिए अब जो MI का राउटर है वो मैंने साइड में रख दिया है, D-Link का मैंने लगा दिया है। तो भाई बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोग हमेशा मतलब कुछ बोल रहे थे व्लॉग टाइप का बना लो, तो मैंने सोचा इसी को क्यों ना बना डाले, चेप देते हैं। ठीक है चलो, तो भाई चेहरे पे ध्यान मत देना भाई, बहुत फटी पड़ी है यार और बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, 26 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे थोड़ी दिनों में, बहुत जल्दी हो जाएंगे, जब तक ये वीडियो आई थिंक तब तक हो जाएंगे या होने वाले होंगे। ठीक है तो आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बस यार इतना ही कहना था। तो जो मेरे पास है ठीक है, तो जो मेरे पास है अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अमेज़ोन पर जाके सीधा ऑर्डर कर देना, मैंने डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दे नहीं रखा, ठीक है सीधी बात है। तो जो मेरे पास है वो ये है, ठीक है अब आप देख लो, बाकी मिलते हैं। तो बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और मैं हूँ संदीप, लिटिल गेमर चैनल पे आपका आने के लिए धन्यवाद। और चेहरा मतलब साफ सुथरा नहीं था मुझे पता है, बट आपको वीडियो में शायद मजा आए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, बस मेरा यही समझाना था यार। ठीक है बाकी जय हिंद, चलो मिलते हैं।